स्वागत है दोस्तों ब्रांड की दुनिया में। आज हम बात करेंगे, एक ग्लिम्स आई है भैया हमारे बुढ़ाऊ अक्षय कुमार जी की, अपने ही इंस्टाग्राम चैनल में उन्होंने प्रमोशन डाली है अतरंगी रे, उनकी अपकमिंग फिल्म। AR रहमान जी हाँ, द म्यूज़िकल माइस्ट्रो, उनका म्यूज़िकल कहा जा रहा है इस फिल्म को। एंड AR रहमान म्यूज़िकल अतरंगी रे फीचरिंग बढ़ाऊ अक्षय कुमार। ये ठरकी भैया पूरी तरीके से हिल रखा है इस टाइम। ये चाहता है कि जितनी ऐश करनी है ना भूषण कुमार के पैसों पे, क्योंकि टी सीरीज़ वाले ही प्रोड्यूसर हैं। जी हाँ, भूषण कुमार और आजकल गुलशन कुमार का इस सुपुत्र गुलशन कुमार के छोटे भाई कृष्ण कुमार पे काफ़ी मेहरबान है, उसको भी प्रोड्यूसर में साथ में नाम लिख देता है। मिलता उसे 4-5% ही होगा, बट उसके लिए ये भी बहुत है, क्योंकि गुलशन कुमार के अंपायर को भैया 500 गुना कर दिया भूषण कुमार ने। किस तरह, फिल्म तो एक ढंग की बनाई नहीं, बट जुगाड़बाजी, मोनोपोली, बॉलीवुड पे कब्जा, ये सब धंधे जो अब ठप हो गए हैं, पर पैसा इतना कि खुदा कितना रहा है कि कहीं ना कहीं निकालने के लिए मरे जा रहे हैं। और फिर से वो डोमिनेशन चाहते हैं, जो मैं होने नहीं दूंगा भैया, क्योंकि पब्लिक का तुमने बना दिया काफ़ी गधैया और पिया खुद फ्री का धैया। अब हम ऐसा होने नहीं दूंगा भैया। आनंद एल राय की डायरेक्शन है भैया, जिन्होंने शाहरुख खान की जीरो ऐसी बनाई कि शाहरुख खान का करियर ही जीरो कर दिया। जो करियर पहले ही ठप हो चुका था उस पे आखिरी श्रेणी लगा दी आनंद एल राय ने। वही आनंद एल राय जिसने 54 छाप एक्ट्रेस कंगना रनौत को भैया एक बहुत बड़ी उछाल दी थी तनु वेड्स मनु सीरीज़ के थ्रू। तनु वेड्स मनु फर्स्ट पार्ट तो भैया 165 करोड़ का बिजनेस हिंदुस्तान में कर गई थी, जो अब तक की फीमेल ओरिएंटेड फिल्म में सबसे बड़ी हिट है। आप कहेंगे फीमेल ओरिएंटेड फिल्म कहाँ से थी, अरे भैया जिमी शेरगिल, आर माधवन और दो चार लल्लू पंजू और थे, उनको कौन गिनता है। स्टोरी तो कंगना पे ही थी ना, कमाल है आनंद एल राय का था। वो बन गई क्वीन और जबान होगी भैया 100 फीट लंबी, अब भुगतो। पर याद रखना, जिस दिन हमारा दिमाग घुमाना तो कंगना रनौत की भी स्टोरी कर दूंगा चौपाट, क्योंकि भैया हम हूँ ब्रांड और हमसे ज़्यादा नहीं है कोई ग्राइंड। तो बात हो रही थी अतरंगी रे की, अक्षय कुमार कुछ बेहुदा सी 3-4 ड्रेसेस में रंग बिरंगे कपड़े डाल के अपने बुढ़ापे को और झलका रहा है, क्योंकि इस उम्र में जब घटिया हरकतें आदमी करता है तो बेहुदा और लगता है। ये तो ज़रा सा ग्लिम्स था जो पिक्चर्स के थ्रू दिखाया गया है। पहला टीज़र आने दो भैया, जलूस बनाने के लिए हम बैठा हूँ।